वीडियो पॉज करो प्यारे बच्चों और सॉल्व करने की कोशिश करो। कहता है टू स्टेशनरी सोर्स है, साउंड के एक नहीं दो सोर्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सोर्स मैं यहां मान लेता हूं साउंड का S1, चलो, और एक सोर्स में साउंड का यहां मान लेता हूं S2। तो जो वेलोसिटी ऑफ S2 है वो जीरो है और वेलोसिटी ऑफ सोर्स S1 है वो भी जीरो है, बराबर है। साउंड जनरेट कर रहे हैं दो सोर्स हैं। अब कहता है ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर घूम रहा है, वॉकिंग कर रहा है फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, तो पहले से दूसरे की साइड जा रहा है। चलो ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर पहले से दूसरे की साइड जा रहा, मतलब ये ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, उसकी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी। द नंबर ऑफ बीट्स हियर, अब ये ऑब्जर्वर जब इधर से जाएगा सोर्स S1 से S2 की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको कितना बीट्स मिलेगा, क्या होगा जब ये दो साउंड डाउन सोर्स के बीच मूव करेगा। तो जब दो साउंड के सोर्स के बीच मूव करेगा तो इसको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी S1 की भी मिलेगी, इसको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी S2 को मिलेगी, कुल मिला के इसको एक फ्रीक्वेंसी डिफरेंस मिलेगा और स्लाइटली फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को बीट्स बोलते हैं। इसको हाई एंड लो इंटेंसिटी सुनाई देगी बीट्स, स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी। तो वो पूछ रहा वही कितने बीट से सुनेगा, बराबर सुपर इम्पोजिशन सुनेगा भाई। तो चलो डॉपलर इफेक्ट लगाते हैं दो केस के लिए, पहले के लिए लगाते हैं सोर्स S1 और ऑब्जर्वर के लिए, दूसरे के सोर्स S2 और ऑब्जर्वर के लिए लगाते हैं और दोनों का अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकाल के माइनस कर देते हैं तो बीट्स मिल जाएगा। चलो मान लो सोर्स S1 के लिए, फॉर सोर्स S1, तो S1 के लिए अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इसको F1 मिला, फार्मूला क्या है, बी माइनस बी ओ बी माइनस बी एस और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब ये कहता है कि टू स्टेशनरी इमिट साउंड वेव्स वेवलेंथ लैम्डा, ऑब्जर्वर फ्रॉम दोनों की जो है वेवलेंथ लैम्डा है, तो दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, ऑब्जर्वर मूविंग ऑब्जर्वर की स्पीड यू दिया हुआ है। चलो तो यहां मैं साउंड, अभी जब ऑब्जर्वर इस साउंड से इससे दूर जा रहा है तो साउंड इसको इधर से पीछे से आते हुए इसके कानों में जाएगी सुनाई देगी, तो साउंड की स्पीड इधर, और इधर मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ तो पॉजिटिव वी, और ऑब्जर्वर उधर ही जा रहा तो इसकी स्पीड यू वी, और सोर्स आ गया जीरो, अब इसको फ्रीक्वेंसी एफ, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ डैश, मतलब पहला जो एक्सप्रेशन आ गया एफ डैश पहले सोर्स की वजह से वी माइनस यू और मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई वी और एफ, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूँ, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डी टू सोर्स फर्स्ट। सोर्स टू की बात करो, जब ये ऑब्जर्वर सोर्स टू की साइड जाएगा तो यही फार्मूला हम लगा देते हैं। अब साउंड जो है इसको सामने से आएगी सोर्स, इस सोर्स की, तो जा इधर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी वजह से इस सोर्स की वजह से इसको फ्रीक्वेंसी मान लो एफ टू मिला, तो यही फार्मूला लगाओ, साउंड का पॉजिटिव इधर मैं पॉजिटिव ले लिया हूँ, ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वर इसके अपोजिट जा रहा निगेटिव और एक निगेटिव यहाँ से, तो ये प्लस यू और वी और ये जीरो चला गया, एस टू जीरो चला गया और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। ये दोनों अलग अलग सोर्स की वजह से इसको फ्रीक्वेंसी मिलेगा, इसका एफ वन इसका एफ टू, ये बीट्स, बीट्स क्या होता है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। चलो स्लाइटली डिफरेंस, तो इन दोनों में डिफरेंस एफ वन माइनस एफ टू बीट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि v माइनस u f अपान v माइनस v प्लस u f अपान v। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉमन ले लो यहाँ से, f y v कॉमन है तो ब्रैकेट में बचा v माइनस u माइनस u माइनस माइनस ये भी है तो माइनस v और माइनस u, तो माइनस बी ने माइनस बी को ख़त्म कर दिया, और बिट्स निकालना है तो मॉड ले लो तो निगेटिव साइन इग्नोर कर दो, तो टू टू यू एफ अपान बी, दिस इज द, लेकिन ये जो सोल्यूशन है वो लैम्डा में दिया, वेवलेंथ में दिया है, तो
तो वेवलेंथ में दिया है, तो स्पीड को मैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बराबर लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ साउंड की स्पीड टू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और लैम्डा के टर्म में लिख दोगे तो यह आ जाएगा 2u/λ। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, 2u/λ। तो 2u/λ मतलब ए ऑप्शन सही है, बराबर है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने बहुत सारे क्वेश्चन वेब में सॉल्व किए, और आप और भी क्वेश्चन करो और भी प्रैक्टिस करो। आई होप कि आपको ये बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो कई बार पॉज करो, देखो, रिवर्स करो, सिमिलर क्वेश्चन देखो जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।